राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा आगरा द्वारा श्री ईश्वरीय प्रसाद आदर्श इंटर कॉलेज नगला अजीता में भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित और विशिष्ट अतिथि ACP मयंक तिवारी मौजूद रहे। भगवान परशुराम, पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथि पदाधिकारियों, विप्रबंधुओं और शहर की संस्थाओं के प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत सम्मान पटका, शॉल और मोमेंटो देकर किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर अपनी राय व्यक्त की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूदत्त मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र, प्रदेश महामंत्री KS शर्मा, प्रदेश मंत्री दयाशंकर, प्रदेश संरक्षक सरोज शर्मा, मंडल अध्यक्ष अखिलेश शर्मा, मंडल महामंत्री ओमवीर शर्मा, जिलाध्यक्ष जितेंद्र पाराशर, जिला महामंत्री हरेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज शर्मा, नगर महामंत्री जितेंद्र शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र शास्त्री, जिला उपाध्यक्ष रामबाबू शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण अवतार तिवारी, गोविंद शर्मा, खेमचंद शर्मा, मंडल प्रभारी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंद्रपाल भारद्वाज और समस्त महिला मंडल की गरिमामयी उपस्थिति रही। तो वहीं महासभा पदाधिकारियों ने आयोजन को लेकर अपने उद्गार व्यक्त किए। आज हमने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले जो हमारे आगरा की सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी सामाजिक संस्थाओं का सम्मान समारोह यहाँ किया है। इससे यह है कि उनको लोगों का उत्साहवर्धन होता है और कार्य करने में उनकी आगे और अच्छी रुचि होती है। और आज हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव भी मनाया है। वैसे तो कल था पर अब सप्ताहभर यह कार्यक्रम चलेगा तो हमने उन दोनों का जन्म उत्सव ही मनाया है। बाकी मेन काम हमारा यही था कि हम जो क्षेत्र में आगरा में जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं उनको हम सम्मान करें, तो आज हमने उनका सम्मान किया है। आगे ऐसे हमारा कार्यक्रम और चलते रहेंगे विकल्प के तौर पर। अभी हम विवाह समारोह भी कराने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद विवाह समारोह हमारे आगरा के राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के आगरा के बैनर तले हुआ। गौरव का विषय है कि हमारे जो पूर्वज हैं इतने विद्वान रहे हैं जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में कितना बड़ा योगदान दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनको देख करके गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान रहे हैं और हम लोग इनकी जो है अब तक कदर नहीं की है, हमें भी इनकी कदर करनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है कि इन पर अमल किया जाए और ब्राह्मण एकता के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। आज मालवीय जी की 166वीं जयंती और अटल जी की 99वीं जयंती। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मालवीय जी ने केवल ब्राह्मणों के लिए कार्य नहीं किया अपितु सारे हिंदू समाज के लिए कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया, जहां से पैसा नहीं मिल सकता था वहां से भी पैसा लिया। मुस्लिम जो शासक थे उनके यहाँ भी चंदे के लिए गए और उनके द्वारा जूता देने पर उस जूते की नीलामी बाजार में करने के लिए खड़े हो गए। जब सम्राट को समझ में आया तो उसने भी पैसा हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दिया। इस प्रकार पूरे हिंदू समाज के लिए उन्होंने कार्य किया, इसीलिए केवल ब्राह्मण समाज नहीं अपितु सारे हिंदुओं को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। इसीलिए आज उनकी 166वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, साथ में अटल बिहारी वाजपेयी सारे पक्ष और विपक्ष सबके नेता सार्वजनिक नेता थे। देश के लिए हमेशा अच्छा विचार किया, बढ़िया सोचा और अपने जीते जी अपने प्रधानमंत्री काल में इतना कार्य किया कि शायद उससे पूर्व कार्य नहीं हुआ था। इसीलिए ऐसे दोनों महापुरुषों को आज मैं नमन करूंगा और यही कहना चाहूंगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारी युवा पीढ़ी बहुत आगे तक जा सकती है।